नाउ लेट्स अंडरस्टैंड थ्रेश वोल्टेज इन डिटेल थ्रेशोल वोल्टेज टर्म आपने ऑलरेडी पीएन जंक्शन डायोड में स्टडी किया हुआ है तो ये कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसको समझ लेते हैं सो इट इज डिफाइंड एज द गेट वोल्टेज विच इज रिक्वायर्ड टू क्रिएट कंडक्टिंग चैनल अगर थ्रेशोल्ड वोल्टेज से कम आपका गेट वोल्टेज होगा तो कोई चैनल फॉर्म नहीं होगा सो वी शुड बी मिनिमम ज और ग्रेटर लार्ज नंबर ऑफ माइनोरिटी कैरियर्स इनकेसाइप्रेन इलेक्ट्रॉन सो दीज माइनोरिटी कैरियर्स आर अट्रेक्टेड टू दी सरफेस माइनोरट कैरियर सरफेस के पास आ जाएंगे ऑक्साइड और सोर्स ड्रेन रीजन के बीच में विच अल्टीमेटली कॉन्ट्रीब्यूट टू दैनल कारंट कंडक्शन पहले चैनल बनेगा फिर उसके बाद उसमें और इलेक्ट्रॉन्स आएंगे तो जब ड्रेन और सोर्स पे हम प्रॉपर वोल्टेज देंगे तो करंट कंडक्शन स्टार्ट हो जाएगा अब थ्रेशोल्ड वोल्टेज की डेरिवेशन देखते हैं तो यहाँ पे हमारे फोर इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं जिनको ध्यान रखना है फर्स्ट वन इज वर्क फंक्शन डिफरेंस बिटवीन द गेट एंड चैनल तो ये इसके फॉर्मुले हैं जैसा आपने गेट यूज किया है उसका आपको वर्क फंक्शन कंसिडर करना है नेक्स्ट हमारा आता है द गेट वोल्टेज कंपोनेंट टू चेंज सरफेस पोटेंशियल पोटेंशियल जब हमारा बल्क फर्मी लेवल पोटेंशियल के बराबर होगा विद अपोजिट साइन तो हम बोलेंगे कि सर्फेस इन्वर्जन हो गया चैनल फॉर्म हो गया तो इस कंपोनेंट को भी कंसिडर करना है थर्ड वन है द गेट वोल्टेज कॉम्पोनेंट टू ऑफसेट द डिप्लीशन रीजन चार्ज ये डिप्लीशन रीजन चार्ज डेंसिटी का जो डेरिवेशन है ये आपने प्रीवियस वीडियोस में देखा है तो so, मैंने तभी बोला था कि इम्पोर्टेंट है और आगे यूज होगा तो आ गया यूज में तो यहाँ पर हमारा जो ये जो नॉट बना है जीरो बना है ये शो कर रहा है कि हमने सबस्ट्रेट पर बॉडी पर कोई भी वोल्टेज अप्लाई नहीं की है जो आपका सोर्स और बॉडी टर्मिनल है दोनों ही इंटरकनेक्टेड है या कहिए कि जीरो वोल्ट पर है अगर सोर्स और बॉडी पर अलग अलग पोटेंशियल हो वोल्टेज अप्लाई कर दी जाए तो फिर हमारा ये क्यूबी नॉट नहीं रहेगा हम इस केस को बोलेंगे कि सबस्ट्रेट की हमने बायसिंग कर दी है क्योंकि हमने डिफरेंट वोल्टेज दे दिया है अदर देन सोर्स सो इफ सबस्ट्रेट इज बायस्ड एट डिफरेंट वोल्टेज लेवल रीजन डेंसिटी यहां पे जो इफेक्ट है वो इतना है कि फर्मी पोटेंशियल जो था हमारा उसमें ये वोल्टेज ऐड हो गई है अब आपको ये चीज ध्यान करनी है रखनी है कि जो हमारे पास पी टाइप है उसमें जो वी एस बी ठीक है वी एस बी मतलब वी एस माइनस बीबी बी अब आप देख रहे हो कि सोर्स वोल्टेज तो हमारा जीरो है पी टाइप के लिए हमारा जो बॉडी पर वोल्टेज होता है वो नेगेटिव होता है जब आप नेगेटिव वोल्टेज अप्लाई करोगे पी टाइप मटेरियल में तो क्या होगा माइनॉरिटी कैरियर्स यानी इलेक्ट्रॉन्स रिपेल कर जाएंगे और फिर वो ऊपर की तरफ यानी सरफेस पर जाएंगे तो सरफेस इन्वर्जन में ये आपका हेल्प करेगा अगर बॉडी को नेगेटिव वोल्टेज दे दिया है और होल्स को ये सरफेस के पास से खींच के बल्क में ले आएंगे ठीक है सबस्ट्रेट तो बाइसिंग में हमारा बीबी नेगेटिव हो गया तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव यानी दिस वी एस बी इज पॉजिटिव फॉर पी टाइप सबस्ट्रेट नेक्स्ट वोल्टेज कॉम्पोनेट इज टू ऑफसेट द दिक्स चार्जेस इन द गेट ऑक्साइड एंड इन द सिलिकॉन ऑक्साइड इंटरफेस सो इसको हम डिनोट करते हैं क्यू बी अपॉन सी ओ एक्स सीओ एक्स हमारा इस फॉर्मूले से हम फाइंड आउट कर सकते हैं एप्सिलॉन अपॉन दिस इज द थिकनेस ऑफ द ऑक्साइड लेयर अच्छा इसके अलावा फिफ्थ कंपोनेंट भी हो सकता है ड्यू टू द इंफ्लुएंस ऑफ नॉन आइडियल फिजिकल फेनोमेना दैट मींस की इम्प्यूरिटीज और लैटिस इम्परफेक्शंस जो इंटरफेस पर हैं वो भी कंट्रीब्यूशन करेंगी गेट वोल्टेज कंपोनेंट में इसमें जो चार्ज डेंसिटी है उसको डिनोट करते हैं क्यू ओ एक्स से बाकी सी ओ एक्स इसका फॉर्मूला आपने यहाँ पर देखा अब ये सारे वोल्टेज कंपोनेंट्स को हम कंबाइन करते हैं ये हमारी जनरल थ्रेश वोल्टेज इक्वेशन है फॉर जीरो सबस्ट्रेट बायस वर्क फंक्शन डिफरेंस से ये सारे कॉम्पोनेंट्स हमें सब्ट्रैक्ट करने हैं सो फॉर सबस्ट्रेट बायसिंग सब कुछ वही है सिर्फ हमारा यहाँ क्यूबी नॉट की जगह क्यूबी टर्म है तो क्यूबी नॉट सी यू एक्स टर्म को यहाँ पे हमने माइनस प्लस करके इसी टर्म में इसको जनरल फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया कि हमारा VT हो गया विदाउट सबस्ट्रेट बायसिंग आपको दिख रहा है so, substrate biasing component हमारा ये रहा यहाँ पे हमारा वी एस बी जो हमने बायसिंग दी है वो वोल्टेज है अगर आपने बायस नहीं किया होगा तो यानी कि ये जीरो होगा तो ये पूरा टर्म नहीं होगा और वी टी इज इक्वल टू वी हो जाएगा सो फाइनली दिस इज थ्रेशोल्ड वोल्टेज इक्वेशन यहाँ पे गामा हमारा एक पैरामीटर आ रहा है जिसको सबस्ट्रेट बायस कोफिशियंट या बॉडी इफेक्ट कोफिशियंट बोलते हैं और गामा की वैल्यू अगर आप इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करें तो आपको दिख रहा होगा कि गामा हमारा क्या है अंडर उपल सी एक्स हियर यू कैन सी दैट दिस सबस्ट्रेट बायस कोफिशियंट इज पॉजिटिव सो दिस इज द केस ऑफ पी टाइप सबस्ट्रेट

पॉजिटिव होता है एन टाइप के लिए चार्ज डेंसिटी नेगेटिव होती है आ, हमारा पी टाइप बॉडी के लिए तो हम कब हम पॉजिटिव लेंगे कब हम नेगेटिव लेंगे फिर इन इक्वेशन का क्या होगा देखिए इक्वेशन तो आपकी यही है माइनस यूज हो रहा है ये आपको करना ही है इसके बाद आपको ध्यान रखना है कि जब मेरे पास पी टाइप बॉडी है तो फर्मी पोटेंशियल मेरा नेगेटिव है चार्ज डेंसिटी भी नेगेटिव है और जो गामा फैक्टर है वो पॉजिटिव है तो जिस तरीके से ये फॉर्मूला है उसमें बस आपको विद साइन प्लेस कर देना है इस फॉर्मूले में कुछ पॉजिटिव नेगेटिव आपको चेंज नहीं करना है हाँ जैसे ही फाइ एफ हमारा पी टाइप के लिए होगा तो ये ऑटोमेटिकली नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा एंड स्टिल आपको कोई कंफ्यूजन रहती है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगी प्लेसमेंट इंटरव्यू में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि थ्रेशोल वोल्टेज किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है हमने गेट वोल्टेज कंपोनेंट्स और वर्क फंक्शन सबको देखा अब डिटेल में हम ये वन बाय वन नोट डाउन करते हैं कि किन फैक्टर्स पे थ्रेश वोल्टेज डिपेंड करता है तो यस दिस इज दर्क फंक्शन डिफरेंस देन फर्मी पोटेंशियल एट दल्ब एंड चार्ज डेंसिटी एट जीरो चार्ज डेंसिटी वेन द्लाइड और इसके साथ में ये ऑक्साइड कैपैसिटेंस आ रहा है ऑक्साइड कैपैसिटेंस की वैल्यू क्या होती है एप्साइलन ओएक्स अपॉन टी ओ एक्स सो एप्साइलन ओवेक्स तो आपका कॉन्स्टेंट फैक्टर है लेकिन ये थिकनेस ऑफ सिलिकॉन डाइऑक्साइड लेयर तो इस पर भी डिपेंड करता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बट यहाँ पे हमारा नेगेटिव साइन है ओके okay. सो एंड यहाँ से निकल के आ रहा है कि ये हमारा जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डोपिंग है जैसा आपका डोपिंग है एक्सेप्टर आयन का या डोनर आयन का तो इस कॉन्सेंट्रेशन पे भी डिपेंड करता है देन दिस वी एस बी सब्सिड बायस केस है तो फिर आपका वी एस बी वोल्टेज पर भी डिपेंड करेगा तो क्या क्या फैक्टर्स हो गए हमारे हो गए वर्क फंक्शन फाइव जी सी देन द फर्मी पोटेंशियल ऑफ द बल्क एंड द थर्ड वन इज़ दी चार्ज डेंसिटी क्यू बी या फिर क्यू बी ज़ीरो जो आपका केस हो बाइसिंग या विदाउट बाइसिंग दोनों पर डिपेंड करेगा अगर बाइसिंग है फोर्थ फैक्टर होता है थिकनेस ऑफ ऑक्साइड लेर ये हो गया एंड द फिफ्थ फैक्टर इज द वी एस बी इन केस ऑफ सबस्ट्रेट बाइसिंग तो एंड सॉरी सिक्स वन भी है जो है आपका डोपिंग जिस तरीके का हो एन या एन तो डोपिंग कॉन्सेंट्रेशन पे भी डिपेंड करेगा सो so ये सारे फैक्टर्स हैं जो आपके बताते हैं कि मॉसफेट का थ्रेशोल्ड वोल्टेज क्या होगा आई होप यू लाइक दिस वीडियो सो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल थैंक यू सो मच हैव अ नाइस डे